हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिशाज व्लॉग मिक्स। तो क्या आप भी मेरी तरह चिकन बिरयानी के दीवाने हैं लेकिन बनाने से डर जाते हैं? तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है बहुत ही स्पेशल एंड हेल्पफुल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आप लोग बहुत पसंद करेंगे ये वीडियो। तो गाइस, अभी होरू और मैं चिकन के खरीदने के लिए जाने वाले हैं। हमारे पास ही एक बाजार है, आप लोग देखते रहिए आज का बहुत ही डिलीशियस चिकन बिरयानी का रेसिपी। जल्दी कर, बहुत देर करती है तू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिकन खरीदने के लिए और मौसम देखिए बहुत ही प्यारा हो रखा है। क्लाउडी डे था और हम लोगों ने राइड बहुत ही एंजॉय किया। तो चलो देखते रहिए आप लोग हम लोग कहाँ से चिकन खरीदते हैं। एंड हियर वी आर। तो हम लोग पहुँच गए हैं बाज़ार। बाज़ार में हम लोगों ने फटाफट से चिकन खरीद लिया और उसके बाद हम लोग सीधा आए थे घर। लेकिन घर आते वक्त हम लोगों ने ऑन द वे ही एक अंकल के घर भी हम लोग घुस गए थे, क्योंकि अंकल को रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल हुआ है। तो हम लोगों ने उसे देखने के लिए कभी मतलब हम लोग जा ही नहीं पाए थे। तो आते ही हम लोग पहुँच गए उनके घर। कितना क्यूट सा बेबी है। तो लेट्स बिगिन द मैरिनेशन ऑफ चिकन। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैरिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और गाइस, मैं यही पे बता दूं, ये जो मैं चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ऑथेंटिक चिकन बिरयानी का रेसिपी नहीं है। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो मतलब एकदम ऑथेंटिक से भी बेहतर है, ट्रस्ट मी। इस तरह से आप लोग भी घर पे ही बहुत इसी तरीके से चिकन बिरयानी बनाएगा, देखिएगा कैसा होता है और मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो गाइस देखिए, मैं अब करने वाली हूँ चिकन का मैरिनेशन। मैरिनेशन में क्या क्या डालती हूँ मैं, आप लोग देखते रहिए। तो गाइस, ये है हमारा चिकन जिसको अच्छी तरह से धो के यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन फिलहाल डाल दिया है। और उसके बाद हमें चाहिए ये कुछ ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। ये है थोड़ा सा, मैं डालूँगी सॉल्ट, हल्दी और ये है अराउंड 1.5 टीस्पून ऑफ बिरयानी चिकन बिरयानी मसाला। और ये है अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। गरम मसाला मैंने बहुत ही कम लिया है क्योंकि बाद में भी खड़ा मसाला बहुत कुछ जाएगा चिकन बिरयानी में। तो ये है नींबू और ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है जायफल कहते हैं इसे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये भी जाएगा, इससे जो है बिरयानी का टेस्ट एकदम अच्छा आता है। एंड वन ऑफ द मेन इन्ग्रीडियंट इज़ दही। दही चिकन बिरयानी में एकदम मोस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलो मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिलहाल मैंने अदरक लहसुन तो डाल ही दिया है, उसके बाद आप लोग देखते रहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, एज यू ऑल नो आई एम एन असमीज गर्ल, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा अटक जाता है। तो प्लीज़ हंसी मजाक मत उड़ाएगा मेरा, कभी कभार तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल हिंदी में ही खोला है ताकि मैं सिर्फ असम के लोगों से नहीं, असम के बाहर भी आप लोग मुझे समझ पाए, मेरे वीडियोस को समझ पाए, मुझे समझ पाए। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल हिंदी में खोला है। तो प्लीज़ डोंट लव एट माई हिंदी। तो चलो लेट्स कंटिन्यू माई ब्लॉग। पहले मैं चिकन में ये जो जायफल का टुकड़ा है इसे मैं थोड़ा सा ग्रेट करके डालूँगी। देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा ही जायफल ग्रेट कर दिया है, आप लोग शायद देख पा रहे हैं, बस उससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो उसके बाद मैं डालूँगी ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और गाइस, नेक्स्ट हम डालेंगे दही। दही हम अराउंड 1 कप ऑफ दही यहाँ पर ऐड करेंगे और बाद में रायता बनाने में भी दही ज़रूरत होगा। तो अराउंड 1/2 कप ऑफ दही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। नाउ लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। इसे हाथों से एकदम ही अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि सारे पीसेस में एकदम दही और मसाला जो है वो एकदम अच्छी तरह से लग जाए। और एंड में मैंने ऐड किया है नींबू। तो गाइस, आई एम डन विद द मैरिनेशन प्रोसेस और इसे मैं अराउंड 6 to 7 आवर्स, आई मीन हम लोग डिनर में खाएंगे। और अभी मैं नून में ही इसे, आफ्टरनून में ही इसे मैरिनेट करके मैंने रख दिया है। अराउंड 6 to 7 आवर्स अभी फ्रिज में रख दूंगी। और हो सके तो आप लोग 12 घंटे तक मैरिनेट करके रखिएगा, तो चिकन का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा उभर के आता है। तो आज मैं 6 to 7 आवर्स ही रखूँगी, इसके बाद का प्रोसेस आप लोग देखें।
ইটা রেলি দুটা লাইন হব তুমি না ইটা দুটা লাইন হব আমি হয়তো রাইট সাইডে নাইবা লেফট সাইডে যোনটো লাইনত থাকা আমার কথা ইটা কৃষ্ণ তো মানে কি আগত লৈ গেলে ভপিনী কেটা পাছত কথা হৈছিল দি আর মই কৈছিলো কথা মতে মাজত লৈ গেলে আগত যে দুটা বাদিন তা গপিনী পাছত দুটা বাদিন তা গপিনী কে হৈছিল। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ये सब। ये सब मेरे कजिन्स और हमारे ही गांव के, मतलब हम लोग सिस्टर्स जैसे ही है, हमारे गांव के ही है ये सब। और हम लोग यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में एकदम देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिए, ये कुछ रिहर्सल वगैरह भी हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। एंजॉय कीजिएगा। तो गाइस, हम लोगों ने अपना डिस्कशंस जो है वो ख़त्म कर दिया है और अभी वक्त है डिनर बनाने का। तो मैंने ये जो हमारा बिरयानी बनाने का सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रख दिया है, आप लोगों को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, आप लोग देखते रहिए। देखिए गाइस, ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छी तरह से रेडी कर दिया है। ये है मैरिनेट किया हुआ चिकन, ये ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स तक मैरिनेट हो चुका है। और पहले देखिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है ज़ीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। मेरे पास तो बस सिर्फ एक ही बचा है, सब खत्म हो गया, मैंने देखा ही नहीं था। और ये है आई थिंक जावित्री, और ये है जायफल का टुकड़ा और कुछ तेज़पत्ता। उसके बाद मैंने लिया है प्याज, स्लाइस किया हुआ प्याज और आलू। और देखिए, मैं ये है टमाटर, नींबू, चिल्ली, पुदीना, धनिया, ये सब एकदम आप लोग जब भी बिरयानी कुक करें ये सब एक साथ ऐसे रेडी करके रखिएगा, क्योंकि बाद में देना भूल जाते हैं हम लोग। बहुत कुछ इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होता है बिरयानी बनाने के लिए, तो सब कुछ ऐसे निकाल के रखिएगा। ये है घी, ये है केवड़ा एसेंस, बिरयानी मसाला, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और ये है चिकन करी का मसाला, और ये है दो बॉइल्ड एग्स। ये ऑप्शनल है लेकिन मैंने आज ऐड करने को सोचा है। तो अब चलिए कुकिंग का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी ऑथेंटिक तरीके से बिरयानी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है तो ये स्टेप आप लोग फॉलो कीजिए। मेरे इस प्रोसेस से अगर आप लोग बिरयानी बनाएंगे तो आप लोग कभी भी मतलब दूसरा स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, यू विल फॉलो ओनली दिस स्टेप। तो ये बहुत ही इजी एंड डिलीशियस रेसिपी बनता है इससे, बहुत इजी वे से। तो आप लोग देखते रहिए, आज हम लोग प्रेशर कुकर में बनाएंगे बिरयानी। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए मैं क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अपना जो आलू है उसे मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए आप लोग, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने आलू को फ्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ आलू को ज़्यादा मतलब पकने के लिए नहीं रखना, बस आउटर लेयर इसका जो है वो ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, सिर्फ वहीं तक हमें कुक करना है, फ्राई करना है। तो देखते रहिए, पहले फर्स्ट स्टेप इज टू फ्राई द पोटैटो। देखिए हमारा पोटैटोस एकदम फ्राई हो गया है, इसे मैंने सिर्फ बाहर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। ये अंदर में अभी भी कच्चा है, क्योंकि बाद में हम लोग जब प्रेशर कुकर में डालेंगे तो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। एंड नाउ इट्स टाइम टू फ्राई आवर अनियन। तो अनियंस को भी मैं एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी। तो गाइस देखिए, ये मेरा अनियन भी फ्राई हो रहा है, और इस साइड में मैंने प्रेशर कुकर को उठा दिया है गैस पर। अभी मैं चिकन को करने वाली हूँ फ्राई, तो चिकन को फ्राई करने का प्रोसेस भी आप लोग देखते रहिए, मैं स्टेप बाई स्टेप क्या डालती हूँ। पहले मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा तेल, और उसके साथ ही जाएगा ये घी, एक चम्मच घी मैंने डाल दिया है फिलहाल। ये है ज़ीरा, तेज़पत्ता, इलायची को मैं थोड़ा सा कूट के डालती हूँ ताकि और अच्छी तरह से उसका फ्लेवर रिलीज़ हो ऑयल में, लौंग, ये जायफल और ये दालचीनी। अब मैं बहुत ही थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि पहले ही चिकन के मैरिनेशन में भी मैंने डाला हुआ है, तो अभी मैंने बहुत कम डाला है। और अब मैं डालने वाली हूँ ये सारा का सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। सॉरी गाइस, मैं एक हाथ से वीडियो कर रही हूँ और एक हाथ से काम कर रही हूँ। अब चिकन को एकदम अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए दही के साथ मैरिनेट किया हुआ चिकन कितना डिलीशियस लग रहा है। चिकन को तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना करे। और देखिए साइड बाई साइड मेरा अनियंस भी फ्राई हो गया है। चलो अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए चिकन ने ऑलमोस्ट ऑयल रिलीज कर दिया है, इस स्टेज में आने तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। सॉरी फॉर द नॉइस, मेरा चिमनी बहुत ही ज़्यादा हल्ला बनता है। देखिए बहुत अच्छा ग्रेवी सा बन गया है। और इस स्टेज में मैं डालूंगी ये फ्राई किया हुआ अनियन, हाफ डालूंगी, हाफ मैं बाद में यूज़ करूंगी। तो ये डाल दिया है अनियन, टमाटर,
और कुछ चिलीज। चिलीज भी मैंने सारा नहीं डाला है, तो अब इसे डाल के मैं और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, और जो खुशबू आप लोग आपको मिलेगा कुकिंग के वक्त, इट्स जस्ट अमेजिंग। देखिए चिकन हमारा एकदम ही फ्राई हो गया है, और मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है ऑफ। और ये है चावल, ये मैंने पतंजलि का बासमती चावल लिया है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, हमें यही चावल पसंद है। इंडिया गेट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये खा के। तो इसे लगभग 15-20 मिनट्स हम लोगों ने भिगो के रखा है, और इसके बाद का प्रोसेस आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप है लेयरिंग, लेकिन प्रेशर कुकर में लेयरिंग करने से भी ऑथेंटिक वाला जो आधा चावल व्हाइट होता है, आधा चावल कलरफुल होता है, वैसा नहीं बनता। तो अब ऐसे ही बना के देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। टेस्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अलग लगेगा। तो चिकन में मैंने पहले डाल दिया है कुछ धनिया, ये कुछ धनिया मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी ये क्रिस्पी फ्राइड अनियंस। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिए। उसके बाद मैंने डाल दिया है ये पोटैटोस, थोड़ा सा पोटैटोस भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं डालूँगी ये नींबू, या थोड़ा सा नींबू भी अब निचोड़ दूँगी। नींबू डालने के बाद अब हम डालेंगे ये अराउंड, अभी हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है, फिर बाद में डालेंगे हाफ टी स्पून बिरयानी मसाला है ये। और उसके बाद मैं अब चावल डाल दूँगी। देखिए चावल को मैंने अच्छी तरह से बिछा दिया है, और अब मैं सारी जो बाकी के चीज़ें हैं वो डालूँगी। ये है चिलीस, उसके बाद ये खूब सारा पुदीना, ये हमारा घर का खेती का है तो पुदीना हो यार, पुदीना को भी मैंने डाल दिया है। और ये है धनिया, देखते ही एकदम खाने को मन करता है देखिए। और अब ये जो बाकी नींबू के दो स्लाइसेस है उसे भी डाल दूंगी। उसके बाद अब बाकी का जो हमारा अनियन और आलू है वो भी एकदम ऊपर से डाल दूंगी अच्छी तरह से। और लास्ट में ये थोड़ा सा और बिरयानी मसाला मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी। उसके बाद जाएगा 1 टीस्पून ऑफ घी ऊपर से, थोड़ा सा जाएगा ये चिकन मसाला, चिकन करी मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट तो मैंने पहले भी डाला हुआ है, अभी थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बाद में फिर चेक करके डालेंगे। ये दो बॉइल्ड एग्स भी मैं डाल देती हूँ आज, वैसे तो मैं नहीं डालती लेकिन आज डालने वाली हूँ, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और लास्ट में ये जायफल को ऐसे ग्रेट करके डालेंगे, और एंड में हम डालेंगे ये केवड़ा एसेंस थोड़ा सा। आई थी मम्मी भी है ना कि और ये जिस बर्तन में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने का जो स्टेप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। रुके मैं दिखाती हूँ, यहाँ दिखा दो तू। ये देखिए पानी हमें बस इतना ही डालना है कि चावल बस पानी को टच करते रहे, चावल के लेयर को नहीं क्रॉस करना चाहिए पानी को। देखिए आप लोग देख के तो अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे, वरना चावल अगर ज़्यादा पक गया तो बिरयानी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसे अब मैं बस एक सीटी आने तक रख दूंगी, व्हिसल आने के लिए रख दूंगी, सिर्फ एक सीटी लगाना है, और उसके बाद हमारा बिरयानी एकदम बन के रेडी होगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ बिरयानी कुक हो रहा है, और यहाँ होरू कर रही है रायता बनाने का प्रिपरेशन। ये क्या क्या लिया है तुमने रायता बनाने के लिए? प्याज एंड क्यूकम्बर। हम लोग रायता ऐसे सिंपल ही पसंद करते हैं, तो रायता का भी रेसिपी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए मैं इसे रायता बनाने को सिखा रही हूँ, इसे अच्छी तरह से नहीं पता। पानी डाल के थोड़ा सा दही को पतला कर लिया है ना तुमने? हाँ, तो गाइस देखिए ये दही को हम लोग पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएगा ये लाल मिर्च पाउडर, डाल दो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद फूला हुआ जीरा, यहाँ देखिए मम्मी ने यहाँ जीरा अच्छी तरह से भून के पाउडर करके रख दिया है, और ये जाएगा हमारे रायते में। भुना जीरा एकदम मेन इंग्रेडिएंट है रायता के लिए। उसके बाद डालो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ओके, थोड़ा सा ये प्लेन वाइट सॉल्ट भी ऐड कर दो। और अब क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स नहीं, शुगर, चीनी डाल दो थोड़ा सा। हाँ बस एक चम्मच चीनी ही काफ़ी है शायद, थोड़ा सा डाल दो। चीनी ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन रायता में चीनी हम लोग पसंद करते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से करना पड़ेगा मिक्स। ओके नाउ ऐड द प्याज एंड क्यूकम्बर।
बस ये हमारा सिंपल सा रायता बनके रेडी है। खीरे का रायता हमें बहुत पसंद है स्पेशली, तो जब भी हम लोग बिरयानी खाते हैं सब डाल दिया, हाँ सब डाल के मिक्स कर दो, बस रायता रेडी है और अभी बिरयानी भी रेडी होने को है। बिरयानी में एक सीटी आ गया है। एक सीटी आने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा एक लो करके और 2-3 मिनट रख देंगे, उसके बाद हमारा बिरयानी एकदम रेडी है। यह है बहुत टेस्टी। कैसा बना रायता? टेस्टी। सच में बहुत यम बना है। तो गाइस 2-3 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और सीटी को मैं अब रिलीज कर दूंगी क्योंकि ओवर कुक हो जाएगा हमारा चावल। देखिए एकदम मैजिकल लग रहा है ना, एकदम खिला खिला बिरयानी बनके रेडी है। देखिए चावल भी एकदम खिला खिला बना है। देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए तो गाइस हमारा एकदम डिलीशियस सा चिकन बिरयानी रेडी है। मैं तो अब करने वाली हूँ पूरा जम के डिनर। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को इस वक्त तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आई एम एंजॉयिंग माय बिरयानी।